जय हिंद दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ गई है। आपको मालूम हो तो कुछ दिन पहले ही अब तक की सबसे आधुनिक सब मरीन्स में से एक INS वाक्सिर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल की गई थी। तो वहीं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत यानी कि वारशिप INS सूरत और शिवालिक क्लास फ्रिगेट INS उदयगिरी का शुभारंभ किया है। दोस्तों, ये दोनों ही वारशिप आधुनिक विध्वंसक हथियारों और सुविधाओं से लैस है। इन दोनों युद्धपोतों के भारतीय नौसेना में शामिल होने की वजह से इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होना तय है और दुश्मनों में खलबली मचना भी तय है। दोस्तों, ये दोनों INS युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी हैं और इसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। तो दोस्तों, हम एक एक करके इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले INS सूरत युद्धपोत को देखते हैं। दोस्तों, INS सूरत पूर्व कोलकाता क्लास विध्वंसक का अपग्रेडेड वर्जन है। भारतीय नौसेना ने अपने कोलकाता क्लास विध्वंसकों को अपग्रेड करके उसका नाम विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक कर दिया है और प्रोजेक्ट का नाम है P-15 ब्रावो क्लास या P-15B। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का नेक्स्ट जनरेशन स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जबकि बाकी दो युद्धपोत INS मोरमुगाओ और INS इम्फाल का ट्रायल चल रहा है। यह इस साल अंत तक नौसेना को मिलने की उम्मीद है। यह जहाज 15B प्रोग्राम के तहत बनने वाला चौथा और आखिरी पोत है। इसका नाम गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी के नाम पर रखा गया है और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र भी है। इस सूरत जहाज को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें दो अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर पतवार निर्माण शामिल है और MDL मुंबई में एक साथ जुड़ गया है। इस श्रेणी के पहले जहाज को 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरे और तीसरे जहाजों को लॉन्च किया गया है और वे आउटफिटिंग यानी कि परीक्षण के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। दोस्तों, INS सूरत की खासियतों की बात करें तो यह रडार को भी चकमा दे सकता है। यह 74,000 टन का है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। यह एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और दुश्मन को कानो कान इसकी खबर तक नहीं चलती है। दोस्तों, INS सूरत पर बराक एट भरमोस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियारों के लगाए जाने की सूचना है। इसमें एंटी एयर वारफेयर के लिए 32 बराक एट मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए 16 भरमोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। वहीं एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए 533 mm की 4 टारपीडो ट्यूब्स या फिर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं INS उदयगिरी की। INS उदयगिरी शिवालिक क्लास फ्रिगेट है जो P-17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का यह तीसरा जहाज है। इसका नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। आपको बता दूं कि INS उदयगिरी सीरीज के युद्धपोत कई दशकों के लिए नौसेना के लिए काम करते रहे हैं। यह अपने पहले के उदयगिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का एडवांस वर्जन है, जिसने 18 फरवरी 1976 से 24 अगस्त 2007 तक 3 दशकों में देश के लिए अपनी शानदार सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन देखे थे। दोस्तों, यह एडवांस हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इस क्लास में 7 जंगी जहाज बनाए जाएंगे, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। हालांकि दोस्तों, इसके नाम में बाद में बदलाव भी हो सकता है। इस फ्रिगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल, ब्राक एट ER मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इस पर ध्रुव वेस्टलैंड सी किमग हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां बन रही है और भारतीय नौसेना में लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां पहले से ही शामिल है। भारत के आत्मनिर्भरता वाले प्लान पर बोलते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने दिसंबर 2021 में कहा भी था कि पिछले 7 वर्षों में नौसेना में शामिल सभी 28 जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण भारत द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है।
दोस्तों इन दो जंगी जाबाज योद्धाओं के भारत की नौसेना में शामिल होने से दुश्मनों में गर्दा उड़ना को तय है। खैर इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।